हेलो गाइस, आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 4 को लेकर के आए हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपका 3 पार्ट्स में अलग अलग करके डिफाइन किया। अब अगर पीछे देखोगे तो अभी तक में दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग बींग्स का क्या कैरेक्टर था, तो हमने 5 कैरेक्टर देखा था, जिसमें आपका 2 आपका नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज था और 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। उसको याद कैसे रखिएगा? तो डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर को याद रखने का तरीका क्या है? आप याद रखिएगा, आपका एनजीआर गौर करिएगा, आपका ये जो एनजीआर होगा, ये एन से नॉन डिफाइनिंग क्या कहिएगा कैरेक्टर, जैसे कि ग्रोथ और क्या कहिएगा रिप्रोडक्शन, तो नॉन डिफाइनिंग में क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, एनजीआर याद रखिएगा। डिफाइनिंग में क्या जो बच गया, जैसे मेटाबॉलिज्म सेलर ऑर्गेनाइजेशन, और क्या कहिएगा आपका कॉन्शसनेस, ये याद रखने का चीज है। फिर हमने देखा टैक्सोनॉमी में स्टडी किस चीज का करते हैं, तो हमने टैक्सोनॉमी में स्टडी क्या चीज किया था, क्लासिफिकेशन, आपका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्या कहिएगा आपका नोमेनक्लेचर, ये जो 4 चीज का हमने स्टडी किया, तो इसको अब सिक्वेंसली थोड़ा याद करना जरूरी है। तो सिक्वेंसली कैसे याद रखेगा, एक सिंपल वर्ड याद रखना, क्लासिक सिनेमा। क्लासिक सिनेमा का मतलब क्या होगा? क्लासिक नाम से स्पष्ट है, क्लासिफिकेशन, सिनेमा। अब गौर करिएगा, सी से सबसे पहले आपका, चूंकि एक नंबर हो गया आपका क्लासिफिकेशन, अब ये सी से कैरेक्टराइजेशन सेकेंड नंबर, आपका आई से आइडेंटिफिकेशन थर्ड नंबर, और एम से क्या कहिएगा नोमेनक्लेचर। तो क्लासिकल सिनेमा यानी कि क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। और कॉर्लस लिनियस को तुम लोग देखे थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। खैर, अब इसके बाद एक बहुत पॉपुलर चीज आज पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है? लिविंग अर्थ पर जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, हमने बोला था 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक, तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में अरेंज कर देना, एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना, कैटेगरीज के रूप में अरेंज करने को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल, क्या कहिएगा आपका कैटेगरीज। अगर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करेंगे तो इसमें टोटल 7 पार्ट आता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का बेसिक। सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, हमने बोला ना अरेंज करना। जैसे आप सिंपली किसी मोहल्ला को आप कह दो ना छोटा छोटा, जैसे किसी मान लीजिए मोहल्ला में घर है, तो एक एक घर को मान लीजिए 10 घर मिला के क्या किए, एक मोहल्ला किए। जैसे घर आपका अलग अलग एक एक घर है, उसको सबसे पहले स्पेसिज मान लीजिए घर को, और जब घर घर को मिला दीजिएगा तो बड़ा उससे कर दीजिए मोहल्ला, अब मोहल्ला को मिला करके कर दीजिए जीनस। अब जब मोहल्ला मिलाइएगा तो छोटे 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 अगल बगल के मोहल्ला को मिला के हम क्या करते हैं, आपका वार्ड बना देते हैं, नहीं तो उसी तरह से आपका फैमिली बना दीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वार्ड को, बहुत सारे वार्ड को मिला करके एक पुलिस स्टेशन बना देते हैं, नहीं तो कहने का मतलब कि कैसे कैसे ग्रुप में अरेंज करके हम धीरे धीरे लार्ज स्केल पर जाएंगे, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है भाई, इट इज अ रैंक, मतलब छोटे 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 से बड़े। अब जैसे कैसे बोले थे, एक घर की बात करेंगे तो असिमिलिटी सबसे ज्यादा होगी, नहीं अगर घर को छोड़ छोड़ के मोहल्ले में आ जाएंगे तो भाई इस मोहल्ला से उस मोहल्ला से लगाव है, नहीं फिर मोहल्ले से अगर थोड़ा ज्यादा लगाव होगा, और अगर ऊपर जाएंगे तो मोहल्ले के बाद वार्ड, अब इस वार्ड से कनेक्शन दूसरे वार्ड से, तीसरे वार्ड से है रिलेशन, लेकिन रिलेशन क्या है आपका, थोड़ा क्या कहिएगा आपका मतलब कम है, दूरी बनते जा रही है। अब अगर वार्ड वार्ड को मिला लेंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई एक पुलिस स्टेशन है। अब मान लीजिए जैसे आपका आलमगंज पुलिस स्टेशन और खाचे कला पुलिस स्टेशन,
अब क्या कहिएगा, ये भी दोनों में सिमिलरिटीज है क्योंकि दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में, पटना में है। नहीं, अब पटना को एक मिला लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, बेगूसराय मिला लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, खगड़िया मिला लीजिए डिस्ट्रिक्ट हो गया, भागलपुर मिला लीजिए क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन उसमें भी आपका सिमिलरिटी कुछ ना कुछ है क्योंकि सभी कहां पर आते हैं, बिहार में आते हैं। फिर इसी तरह बिहार को मिलाइए यूपी मिलाइए एमपी मिलाइए, ये बहुत दूर हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी सिमिलरिटीज है कि सभी को मिलकर कहां पर आते हैं, इंडिया में आते हैं। उसी तरह से इस धरती पर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक, मतलब जितनी भी जिंदगियां हैं, इसी को हम एक ग्रुप में कैटेगरी वाइज अरेंज कर देंगे। इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल, क्या कहिएगा, कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करें, डिफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे इट इज रैंक या लेवल क्या कहेगा इन द, क्या कहेगा, हायरार्किकल, मतलब अरेंजमेंट करना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इट इज पार्ट ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड, क्या कहेगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और ऑल कैटेगरीज क्या कहिएगा, आपका एक इसका अरेंजमेंट होगा हायरार्की के रूप में, और टैक्सोन क्या कहिएगा, एक एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं टैक्सोन। जैसे देखिएगा यहां पर अगर देखोगे, ये जो आपका स्पेसीज, ये आपका क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। अब स्पेसीज स्पेसीज को मिलाएगा जीनस, जीनस जीनस को मिलाएगा फैमिली, बहुत सारे फैमिली मिलेंगे, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, अच्छा डोमेन और लाइफ। डोमेन का मतलब होता है कि मतलब पूरा उसका क्या रेंज, एक तरह से जीवन का रेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमको यहाँ पर कितना, ये हमको सेवन क्या कहिएगा, ये आपका पढ़ना पड़ता है, ये सेवन। अब इसको याद हम कैसे रखें, एक यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा ट्रिक है, अगर इसको याद रख लीजिएगा तो शायद याद हो जाए क्या भाई, कि कोहली प्ले क्रिकेट ऑन द फ्लैट ग्राउंड। अब इसी बात को याद रखिएगा कि कोहली प्ले क्रिकेट्स ऑन फ्लैट ग्राउंड्स। नहीं, अब यहां पर कोहली का मतलब केस किंगडम, प्ले प्री मतलब फाइलम, क्रिकेट मतलब क्लास, ऑन मतलब ऑर्डर, फ्लैट मतलब फाइलम, ग्राउंड का मतलब क्या होता है जीनस, एस का मतलब क्या होता है स्पेसीज, यानी सबका पहला लेटर लेकर के मिला दीजिए, ये आपका सेवन टैक्सोनॉमिकल क्या कहिएगा कैटेगरीज होगा। तो क्या याद रखिएगा, स्पेसीज जीनस फाइलम ऑर्डर क्लास फाइलम और किंगडम, इसको ऐसे बोलिएगा स्पेसीज जीनस फाइलम ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, ये याद रखना। साथ क्या कहिएगा, बेसिक क्या कहिएगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें इसको याद हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहां पर देखिएगा हमने बोला था ना कि छोटे छोटे को लेके मिलाना है। इस एग्जाम्पल को हम लास्ट तक लेके चलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, ये मान लीजिए एक घर ए, एक घर बी, एक घर सी, ये अलग अलग तीन घर हैं, और तीनों घर को आपस में मिला के मोहल्ला बना दीजिए। तो ये जो घर है ना, इस घर को क्या कहिएगा स्पेसीज, लेकिन ये सारे घर रिलेटेड घर है क्योंकि एक ही मोहल्ला के सारे घर है। अगर एक ही मोहल्ला के सारे घर हैं तो सभी को क्या कहिएगा, अगर एक ही मोहल्ला के घर हैं तो मतलब एक ही मोहल्ला में आते हैं, मतलब तीन घर हैं या दस घर हैं, और दसों घर को मिला के मोहल्ला बना दीजिए। तो ये जो मोहल्ला बनेगा ना, इस मोहल्ला को हम लोग क्या कहेंगे, आपका जीनस। और ये जो आपका घर होगा ना, इस घर को हम लोग क्या कह देंगे, दैट इज क्या कहिएगा, आपका स्पेसीज, यानी घर कहलाएगा स्पेसीज, और घर को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीनस। अब देखिए जीनस जीनस मिलाएंगे, अब जीनस जैसे एकदम सिंपली पहले घर पर आइए, जैसे यहां पर देखिएगा स्पेसीज ए है, एक यहां पर है सोलेनम क्या कहिएगा मेलुंगेना। अगर ये बात करें जैसे बैगन, ये बैगन आलू आपका क्या कहिएगा मकई टमाटर, ये सब अलग अलग स्पेसीज है ना, लेकिन सभी रिलेटेड स्पेसीज है, सभी रिलेटेड स्पेसीज है। तो इन इन चारों की बात करें ना, तो इसमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा आएंगी, तो सबको एक साथ मिला करके हम इसको किस में डाल दिए, सोलेनम में डाल दिए। तो सोलेनम क्या हो गया, एक जीनस हो गया। अब उसी तरह जैसे मान लीजिए एक होता है पेटूनिया, पेटूनिया क्या है, एक जीनस का नाम है। इस पेटूनिया में लगभग 35 स्पेसीज आते हैं। उसी तरह से आपका धतूरा, ये भी क्या है, एक जीनस का नाम है।
और धतूरा में लगभग 9 स्पेसी आते हैं, तो जो स्पेसीज होंगे उनमें सिमिलिटीज बहुत ज्यादा होगी, इसमें सिमिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, और बहुत ज्यादा जो सिमिलिटीज होंगी उनको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोले, जीनस। जैसे 9 स्पेसीज एकदम क्लोजली रिलेटेड आपस में मिले तो धतूरा, धतूरा क्या हो गया, जीनस हो गया। अब ये स्पेसीज 35 स्पेसीज है किसमें, आपका पेटूनिया में। अब इसके बाद अगर देखें तो सोलेनम में 3-4 स्पेसीज का भी नाम लिए हम। अब ये देखिए कितने अलग अलग स्पेसीज मिला के जीनस बने। अब इन स्पेसीज में सिमिलिटीज बहुत ज्यादा थी, अब जीनस में सिमिलिटीज कुछ कमेगी। अब जैसे देखिएगा धतूरा ये अलग है, मतलब जीनस अलग है उसमें, मतलब अलग वो कैटेगरी में है। आपका पेटूनिया अलग है और सोलेनम क्या कहिएगा अलग है, लेकिन उसके बावजूद तीनों में कहीं ना कहीं समानता है। और अगर तीनों को सिमिलिटीज मिला दे रिप्रोडक्टिव बेसिस को ही लेकर के, तो ये एक जगह मिला के ला देंगे तो हो जाएगा सोलिनेसी। अब ये सोलिनेसी क्या है, आपका फैमिली है। इसी तरह से मान लीजिए एक फैमिली, दूसरा फैमिली, तीसरा फैमिली आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। नहीं, जिसको क्या कहते हैं, जैसे यहां पर देखिए सोलिनेसी एक तरह क्या आपका कॉन्वोलेसी, ये दो फैमिली थे और दोनों फैमिली को मिला के क्या कर दिए, दैट इज क्या कहिएगा, पॉलिनोमिनल ला दिए। अब फैमिली फैमिली को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैमिली फैमिली मिला तो ऑर्डर, और ऑर्डर ऑर्डर को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लास। और उसी तरह से क्लास क्लास को अगर आपस में मिला देंगे तो डिवीजन, और डिवीजन डिवीजन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, किंगडम। ये डिवीजन फाइलम जिसको कहते हैं। तो यार कहने का मतलब क्या है कि आप इसको याद कैसे करिएगा, समझिएगा, ये छोटा वाला जो है इसको आप समझ जाइए, घर एक एक घर, माने घर घर के बीच में सिमिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो एक एक घर जो है इसको मिला दिए क्या बन गया, जीनस यानी मोहल्ला बन गया। मोहल्ला मोहल्ला को मिला दिए क्या बन गया, वार्ड। और वार्ड वार्ड को अगर आपस में मिला दीजिएगा, वार्ड वार्ड को मिलाएगा क्या हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिमिलिटीज ऊपर कमते चली जा रही है। अब पुलिस स्टेशन मिलाएंगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को मिलाएंगे तो स्टेट, और स्टेट से स्टेट को मिलाएंगे तो कंट्री, तो कंट्री मतलब किंगडम, स्टेट मतलब डिवीजन फाइलम जो, अच्छा क्लास मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्लास, और पुलिस स्टेशन मतलब ऑर्डर, आपका क्या कहते हैं फैमिली, जैसे फैमिली क्या था, वार्ड वार्ड मिलाए थे, उसी तरह से आपका जीनस क्या है, मोहल्ला मोहल्ला को मिलाए थे, और घर घर को आपस में जो मिलाए थे ये क्या हो गया, स्पेसीज। इसी सीक्वेंस को ब्रेन में आपको रखना है। अब यहां पर बातें होंगी, ध्यान से सुनिएगा, ये 7 जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं ये 7 तो हैं, लेकिन किसी किसी के सब भी होते हैं। अब वही कह रहा है कि देयर आर 7 मेन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, यही मेन है। कह रहा है क्या, दे आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिसका कोई ऑप्शन ना हो, ऑब्लिगेट। अब जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी है, तो ये फिक्स है कि मम्मी वही है, अब उनका कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता है, तो वो क्या हो गया, ऑब्लिगेट। मतलब मम्मी का और आपका जो रिलेशन है इसको ऑब्लिगेट कह सकते हैं, मतलब मम्मी का जगह धरती पर और कोई इंसान नहीं ले सकता है। तो ये कह रहे कि यहां पर जो भी चीज है इसका कोई दूसरा आपका प्लेस नहीं ले सकता है, तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो कि नॉन ऑप्शनल रिलेशन जिसको कह सकते हैं, ऑब्लिगेट कह सकते हैं, एसेंशियल कह सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी दैट आर क्या कहेगा, स्ट्रिक्टली यूज्ड एट टाइम ऑफ एनी क्या कहेगा, प्लांट क्लासिफिकेशन, किसी का भी हम ले सकते हैं, एनिमल का भी लेते हैं। देयर आर क्या कहेगा, सब एक्स्ट्रा, अब देखिए कुछ काम सब कैटेगरीज भी होता है, नहीं तो एक सब डिवीजन भी होता है, सब फाइलम भी होता है, सब फैमिली होता है, नहीं तो दे आर क्या कहे यूज्ड ओनली देन क्या कहिएगा, अब देखिए जैसे परिवार बहुत बड़ा है, नहीं छोटा अगर रहेगा तो उसका सब नहीं आएगा, आज जिसमें क्या कहे बहुत बड़े आपका आ जाएंगे, जैसे हम मान लीजिए किसी परिवार में 5 सदस्य है तो उसको बांटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक परिवार में 25 सदस्य है तो उसको छोटे छोटे परिवार मतलब टुकड़ों में क्या कहिएगा आपका बांट दिया जाता, वही बात से यहां पर भी करना है। तो यहां देखिएगा जैसे अब यहां पर कुछ बंटवारे की बात की गई है, क्लासिफिकेशन, जैसे हमने क्या बोला था कि सबसे स्पेसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन या फाइलम और किंगडम। अब यहां पर बात करेंगे ना तो सबसे छोटा कौन होगा, ये स्पेसीज होगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का सबसे बेसिक यूनिट होगा। अब देखिए क्या होगा, इधर देखिए गौर से देखिएगा, अगर इधर से ऊपर जाएंगे
तो सिमिलरिटीज क्या होगी, कमते चली जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज क्या होगा स्पेसीज में, उससे कम सिमिलरिटी जीनस में, तो नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, सिमिलरिटीज कमते चली जाएगी, और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। अब जैसे ये क्या हो गया इंडिया लेवल पर, इससे ज्यादा स्टेट, अब स्टेट स्टेट में समानता, स्टेट के नीचे अगर और आ जाए डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा सिमिलरिटीज। तो कहने का मतलब कि ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो सिमिलरिटीज बढ़ती है, और नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटीज क्या कहिएगा, घटती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पर एक दो का नाम दिया गया है, जैसे आप देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। अब अच्छा, इसके एक एक यूनिट को टैक्सोन कहते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे मैंगो का क्लासिफिकेशन, इसका टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन किया गया। अब मैंगो का जीनस नेम क्या हो जाएगा, दैट इज क्या कहिएगा, मैंगोनिफेरा इंडिका। अब ये जो इंडिका है ना, ये स्पेसीज नेम हो जाएगा। अब देखिएगा मैंगोनिफेरा ये क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो आपका एकेंडासी क्या कहिए, एनेकार्डी सी फैमिली से बिलोंग करेगा। अच्छा ऑर्डर क्या होगा, सेपनीडेल से आएगा। अच्छा क्लास, अब देखिए डाइकोटेलिडनी, मतलब इसमें दो कोटेलिडन वाला हो गया। अब क्लास से ऊपर जाएंगे डिवीजन, अब एंजियोस्पर्मी हो गया, फूल खिलने वाले प्लांट्स हैं। और उसके बाद किससे किंगडम से आता है, प्लेंटी आता है। उसी तरह से यहां पर देखिएगा एक और आपका दैट इज क्लासिफाइड किया गया है, किसका भाई, तो देखिएगा जैसे स्पेसी ये क्या हो जाएगा, ट्राइकम क्या कहिएगा, एस्टिबम। अब जीनस क्या हो जाएगा, ट्रैक्टेक्टम। फैमिली क्या हो जाएगा, पोएसी। ऑर्डर क्या कहेगा, पोल्स। क्लास क्या कहेगा, मोनोकोटाइलिडनी। और एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा, प्लेंटी। तो कहने का मतलब ये गेहूं का क्लासिफिकेशन था, और ये क्या था, मैंगो का क्लासिफिकेशन। यानी नीचे से क्या कहेगा, ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटीज घटती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलरिटीज क्या कहिएगा, बढ़ती है। एक एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं, जो सिंगुलर फॉर्म, आईसी का प्लूरल फॉर्म क्या कहेंगे, टैक्सा। अब जैसे यहां पर देखिएगा बातें वही लिखी गई है, कह रहा है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सो हायरार्किकल अरेंजमेंट कहिएगा। अब गौर करिएगा हायरार्किकल क्या कहे, अरेंजमेंट्स की बात क्या होगी, एक एक सीक्वेंस के छोटे छोटे रूप में क्या कहिएगा, लेकर के अरेंज करते जाएंगे। या वही कह रहा है डिसेंडिंग, अब कह रहा ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग नहीं, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। अब अगर ऊपर से इधर से नीचे आ रहे थे तो सिमिलरिटीज क्या हो रही थी, बढ़ती थी, और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटीज क्या हो जाएंगी, घटेंगी। नहीं तो ये याद रखिएगा कैटेगरीज, कह रहे कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट्स एनिमल रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग के ऊपर में सबसे पहले किंगडम लिखा जाता है, और सबसे नीचे क्या लिखा जाता है, स्पेसीज। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर नीचे से कहीं क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, अगर कहीं नीचे से दे करके पूछेगा तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन लिखा जाता है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हायरार्की क्या है भाई, तो वही डिसेंडिंग या असेंडिंग अरेंजमेंट, हमने बोला ना कि मेनली डिसेंडिंग, असेंडिंग नीचे से पढ़ेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा। इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं दैट इज हायरार्की। और स्पेसीज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा क्या कहिएगा, आपका यूनिट होता है। अब यहां पर बात करिए कुछ कुछ का क्या कहिएगा, आपका क्या होता है, सब भी होता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कुछ वर्ड ऐसे सफिक्स होते हैं जिसके लास्ट में अगर वर्ड झूठा रहेगा ना तो किसी न किसी चीज को इंडिकेट करेगा। जैसे आप यहां पर बात करिएगा फैमिली में आपका एसी, ऑर्डर में क्या कहिएगा, एलीज। क्लास में क्या कहिएगा, ऑप्सिडा, या क्या कहेगा, फाइसिया एई। और सब डिवीजन में फाइटीना, डिवीजन में फाइटा। ये सब क्या है, वर्ड के लास्ट में आपका जुटे रहते हैं। जैसे अगर यहां पर बात करेंगे हम, इसकी अगर बात करें तो आप इसी के बारे में सोचोगे, ये जो आपका होगा ना, अगर इसकी बात हम कर दें तो यहां देखिएगा गौर से, यहां देखिए ध्यान से, आपका हमने क्या बोला, फैमिली। अब ये जो फैमिली है इसके वर्ड में अंत में क्या बोला, एलीज। देखिएगा ये फैमिली है तो इसमें क्या है आपका, सॉरी फैमिली में एसी। अब यहां पर देखिएगा ये फैमिली में क्या लास्ट में होगा, दैट इज क्या कहिएगा, आपका एसी होगा।
ये याद रखिएगा फैमिली के लास्ट में एसी, अच्छा ऑर्डर एलिज, अब ऑर्डर में देखिएगा अंत में क्या आएगा, दैट इज क्या कहिएगा एलिज आएगा, ये सफिक्स है कुछ। उसी तरह से क्लास में देखिएगा कारा ऑब्सीडा आएगा या फाइसी आएगा या एई आएगा। अब देखिएगा इसके क्लास में क्या कहिएगा, ये दैट इज क्या कहिएगा एई आ गया नहीं, अब सब डिवीजन तो इसका है नहीं, डिवीजन में फाइटा, अब देखिए डिवीजन में क्या हो जाएगा एस्पर्मे क्या कहिएगा आपका, जैसे फाइटा यहां पर तो एंजियोस्पर्म है तो जो एंजियोस्पर्मो फाइटा भी कर सकते हैं। तो लास्ट में ये सफिक्स होते हैं, लेकिन कुछ के सफिक्स नहीं होते हैं। आप एकदम क्लियर कट याद रखिएगा जीनस स्पेसीज और किंगडम, जीनस स्पेसीज किंगडम ये तीन के सफिक्स नहीं होते, एकदम क्लियर कट ब्रेन में डाल देना जीनस स्पेसीज और किंगडम इस तीन के कोई भी सफिक्स नहीं होते हैं, मतलब इनके लास्ट में कोई ऐसा वर्ड नहीं जुटेगा। लेकिन ये जो बाद में लिखा हुआ है इन सभी के क्या कहिएगा आपका सफिक्स होते हैं। यहां पर एक बात देखिए लिखा है क्या करा एज भी क्या कहेगा हायर फ्रॉम स्पेसिज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। अब कर रहा है क्या कि आपका क्या करा हायर स्पेसिज टू किंगडम, अब क्या कर रहा है कि नीचे से आप ऊपर चलिए, जब नीचे से ऊपर जाइएगा ना तो सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी कमते चली जाएगी। तो ये कह रहा है कि कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज आर लोअर द क्या कहे टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर क्या नंबर विद द टैक्स ऑन शेयर, जो जितने नीचे में होंगे ना उसमें सिमिलरिटीज उतना ज्यादा होगा और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो उसमें सिमिलरिटीज क्या कहिएगा कमते चली जाएगी। अब इसके बाद अगर देखें तो हमारे टेक्सोनोमिकल तो ये आपका सफिक्स किसका नहीं था याद रखना जीनस स्पेसीज किंगडम, जीनस स्पेसीज किंगडम ये तीन का कोई सफिक्स क्या कहिएगा आपका नहीं होता है। अच्छा क्लासिफिकेशन क्या एक एक सिंगल स्टेप है, कभी नहीं, ये आपका ग्रुप ऑफ स्टेप है। जैसे आपने देखा ना कि जीनस स्पेसीज जीनस नहीं आपका फैमिली ऑर्डर, तो ये क्या हो रहा है एक एक करके सीक्वेंस जो ले रहा है तो छोटे छोटे स्टेप को आपस में मिला के जोड़ते चले जाएंगे नहीं। तो यहां पर कह रहा है क्या कि क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व क्या हायरार्की ऑफ स्टेप व्हिच स्टेप ईच स्टेप क्या कहेगा रिप्रेजेंट रैंक क्या कहिएगा आपका रैंक क्या कहिएगा आपका कैटेगरीज क्या कहिएगा या सिंस द क्या कहिएगा कैटेगरीज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक क्या कहिएगा अरेंजमेंट और इट इज कॉल्ड क्या कहिएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की यानी सभी आपस में मिलकर क्या करेंगे एक हायरार्की का डेवलपमेंट करेंगे और यही आपका क्लासिफिकेशन का एक पार्ट होगा। अब सबसे पहले आप आइए स्पेसीज, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सबको ही, स्पेसीज हमने क्या बोला कि सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपका किसमें होगा स्पेसीज में। जैसे आप बात करोगे स्पेसीज के बारे में करा इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलिटीज, बहुत ज्यादा इसमें सिमिलिटीज होगा। और करा जैसे ट्यूबरोसम, अब यहां पर बात करोगे ना ये देखिए तीन का दिखाया गया है, अब यहां पर देखिएगा सो कॉल्ड आपका सोलेनम क्या कहेगा नाइग्रम, यहां पर क्या कहिएगा आपका सोलेनम ट्यूबरोसम और यहां पर सोलेनम क्या कहिएगा दैट इज क्या कहिएगा मोलंगेना मेलोंगेना। अब ये सोलेनम क्या कहिएगा मेलोंगेना या सोलेनम क्या कहेगा ट्यूबरोसम या सोलेनम क्या कहेगा नाइग्रम, यानी कहने का मतलब ये आपका आलू टमाटर बैगन जो है ये ध्यान देना ये तीनों क्या कहिएगा आपका स्पेसीज अलग है लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है, लेकिन स्पेसीज तीन अलग अलग है लेकिन तीनों में सिमिलरिटी इतनी ज्यादा है कि तीनों को मिला के हम क्या करेंगे एक ही क्या कहिएगा जीनस में डाल देंगे। तो यहां पर कह रहा है क्या इसी वजह से लायन और टाइगर, ये लायन टाइगर की अगर बात करें ये भी दोनों क्या कहिएगा आपका बहुत क्लोज है इसलिए दोनों एक ही जीनस में आ जाएंगे। तो वहां पर कह रहा है देखिए एग्जाम्पल पर कह रहा है इन, अब यहां पर कह रहा है क्या जैसे कि कह रहा है क्या सोलेना और ट्यूबरोसम, अच्छा लियो यहां बात करोगे ये लियो और टाइग्रिस यानी लायन और टाइगर ये दोनों क्या है अलग अलग स्पेसीज है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है इसलिए दोनों किसमें आ जाएंगे दैट इज देखिएगा पेंथेरा। अब ये लियो क्या है ये स्पेसीज है,
और ये टाइग्रिस क्या है, स्पेसीज है, यानी ये अलग स्पेसीज अलग स्पेसीज, लेकिन दोनों में इतना ज्यादा सिमिलिटीज है कि दोनों किसमें आ गया, पैंथेरा पैंथेरा में आ गया। उसी तरह से यहां पर देखिएगा, इट गिवेन एग्जांपल सोलेनम और क्या कहे पैंथेरा आर जीनस व्हाइल ट्यूबरोसम लियस टाइग्रिस आर क्या कहिएगा स्पेसीज। अब जीनस सोलेनम है स्पेसीज लाइक क्या नाइग्रम, क्या कहिएगा। अब नाइग्रम में देखिएगा सोलेनम नाइग्रम एक आता है, दैट इज क्या कहिएगा आपका मोलंगेना, दैट इज क्या सोलेनम मेलोंगेना नहीं। तो ये क्या है, ये अलग अलग स्पेसीज हैं लेकिन सभी एक जमाते हैं किसमें, सोलेनम में। तो सोलेनम क्या हो गया, जीनस हो गया, और ये तीन अलग अलग क्या हो गए, स्पेसीज हो गए। उसी तरह से मैग्निफेरा इंडिका में भी आपका यही हाल है। अब जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, ये ट्यूबरोसम की बात की गई है, अगर यहां पर आप गौर से समझिएगा, ध्यान से वर्ड पर ध्यान देना, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, आ सोलेनम क्या कहिएगा मेलोंगेना और सोलेनम क्या कहिएगा आपका नाइग्नम। अब यहां पर बात करेंगे तो सोलेनम 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 ये तीनों जीनस हो गया। अब यहां पर देखिए ट्यूबरोसम अलग स्पेसी, क्या कहेगा मेलोंगेना अलग स्पेसी और नाइग्रम अलग स्पेसी। अब ये नाइग्रम मतलब मकई, ये सोलेनम मेलोंगेना का मतलब क्या हो गया बैगन, और सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो, एक तरह से बोटनिकल नेम लिखा हुआ है। अब यहां पर गौर करिएगा, ये तीनों अलग अलग स्पेसीज हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज हैं, इसलिए तीनों को हम लोग एक जीनस में ला दिए, किसमें आपका सोलेनम। तो याद रखिएगा ये सोलेनम क्या हो गया, एक जीनस हो गया। तो वही आर थ्री डिफरेंट बट रिलेटेड स्पेसीज एंड दे आर बिलोंग टू सेम क्या कहेगा जीनस, क्या सोलेनम। तो ये हो गया स्पेसीज, यानी हमारे क्लासिफिकेशन यूनिट का सबसे बेसिक यूनिट हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो गौर करिएगा, अब यहां पर देखिए ध्यान से उसी चीज को लिखा गया है, जीनस के रूप में आई है। अब जीनस हम क्या बोले थे कि जीनस कंप्लीट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, यानी स्पेसीज में रिलेशन, जैसे कैसे घर घर को मिला के मोहल्ला बनाए थे, तो जो अगल बगल के घर थे उनमें क्लोजनेस क्या था, बहुत ज्यादा था, तो एक मोहल्ला आपका बना था। वही कह रहा है कि जीनस क्या के कंप्लीट ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच इज मोर कैरेक्टर इन क्या कहिएगा कॉमन इन क्या के ट्रेट टू स्पेसीज, क्या कहेगा टू ऑफ अदर और इच जीनस मे हैव वन या मोर देन वन स्पेसिफिक क्या के आइदर क्या कहेगा रिप्रेजेंटिंग क्या के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल क्या कहेगा सिमिलरिटीज। अब यहां एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर दिखाया गया है सोलेनम, अब कैसे बोले थे क्या कहिएगा आपका मेलोंगेना और ट्यूबरोसम, अब ये दोनों स्पेसीज हैं और ये सोलेनम क्या हो गया जीनस हो गया। अब जैसे यहां पर देखिए लियो पार्डस और टाइग्रिस, यानी लायन लियोपार्ड और टाइगर, देखिए यहां पर लायन लियोपार्ड टाइगर, ये तीनों में अगर देखा जाए तो क्या कहिएगा आपका मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज क्या कहिएगा बहुत ज्यादा होगी, इसलिए तीनों क्या कहिएगा एक जगह पर आ गया किसमें, तो दैट इज क्या कहिएगा आपका पैंथेरा। ये पैंथेरा क्या हो गया, ये पैंथेरा क्या हो गया आपका जीनस हो गया, और ये तीन जो है ये स्पेसीज है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है, इसलिए किसमें चले आए पैंथेरा में। उसी तरह से आपका और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे यहां पर देखिए तीनों के बारे में दिखा गया है, दैट इज क्या कहेगा आपका, दैट इज क्या कहेगा जागोर पैंथेरा और क्या कहेगा लियो पार्ड। अब यहां पर देखिए जैसे यहां भी जीनस, अब तीनों ये फ्लाइज है नहीं, लेकिन गौर करिएगा ये ध्यान दीजिएगा स्पेसीज लियो टाइग्रिस कैटस है नहीं, अब इसका कॉमन है लायन टाइगर और बिल्ली, तीनों क्या कहिएगा एक ही जीनस फ्लाइज से यहां पर बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद अब देखिएगा जीनस के बाद हम लोग आगे आते हैं फैमिली, अभी बोले थे ना कि फैमिली। अब यहां पर बात करिएगा जैसे सोलेनम एक क्या है जीनस है, पेटूनिया क्या है जीनस है, धतूरा क्या है ये आपका जीनस है, बोले थे इसमें 9 स्पेसीज में 35 इसमें 4-5 जो एग्जांपल दिए थे। अब ये तीनों क्या है अलग अलग जीनस है लेकिन तीनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा सोलेनेसी, ये फैमिली, यानी तीनों क्या हो जाएगा अलग अलग जीनस होने के बावजूद ये तीनों क्या हो गया आपका सेम फैमिली में आ गया नहीं। तो हमने क्या बोला सबसे छोटा अलग अलग स्पेसीज, स्पेसीज को अगर मिलाओगे तो क्या होगा
जीनस, और जीनस को अगर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, फैमिली। तो ये कह रहा है कि फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलिटीज एज कंपेयर टू जीनस, यानी सबसे ज्यादा सिमिलिटीज का होता है स्पेसीज में, उससे कम सिमिलिटी जीनस में, और उससे भी कम सिमिलिटीज का हो जाएगा फैमिली में, यानी समानता धीरे धीरे कमते चली जाएगी। तो एक कर एंड स्पेस अच्छा फैमिलीज क्या क्या आर नॉट बेसिस द बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज के बेसिस पर हम इसको लिए, जैसे यहां पर याद रखिएगा सबसे मस्त चीज ये सोलेनम अलग जनरा, पेटूनिया अलग जनरा, और धतूरा क्या कहेगा अलग जनरा, तीन जीनस है, और तीनों को एक साथ मिला दिए रिप्रोडक्टिव बेसिस पर आ गया किसमें, सोलेनेसी में, तो सोलेनेसी क्या हो गया एक फैमिली हो गया। उसी तरह से यहां पर देखिएगा, यहां पर भी आपका दिखाया गया है जैसे क्या कहिएगा आपका फेलिडी, अब यह पंथेरा अलग है फ्लाइज अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग बस जीनस है, लेकिन दोनों का क्या कहेगा फैमिली फेलिडी हो गया, जैसे यहां पर सोलेनेसी आपका हो गया। उसी तरह से अगर आगे बात करें तो ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या होगा फैमिली फैमिली को मिलाएंगे तो आपका ऑर्डर आएगा। तो एक तरह ऑर्डर हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड, देखिए धीरे धीरे सिमिलिटीज क्या होगी कमते चली जाएगी, तो ही कह रहा है कि रिलेटेड फैमिली विद क्या क्या स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलिटीज कंपेयर टू फैमिली, यानी इसमें क्या होगी सिमिलिटीज और कमेगी, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा सिमिलिटीज किसमें थी फैमिली में, अब फैमिली से भी ज्यादा सिमिलिटीज किसमें थी जीनस में, और जीनस से भी सबसे ज्यादा सिमिलिटीज किसमें थी स्पेसीज में। तो ये कह रहा है कि जीनस स्पेसीज और हायर कैटेगरीज क्या कहिएगा, अब धीरे धीरे फैमिली से ऊपर आपका आ गया, नहीं जैसे आप देखिएगा जैसे आपका यहां पर कह रहा है कि दैट इज क्या कहिएगा कॉर्नबुलेसी फैमिली है और सोलेनेसी फैमिली है, ये दोनों अलग अलग फैमिली है, लेकिन दोनों फैमिली को एक साथ मिला देंगे दैट इज क्या कहिएगा पॉली क्या कहिएगा मोनिली में आ जाएगा। उसी तरह से यहां देखिएगा फ्लेडी क्या फेलिडी और क्या क्या कैनिडी दोनों अलग अलग फैमिली है, इन दोनों को मिला देंगे तो कार्निवोरा कार्निवोरस है ऑर्डर कार्निवोरा में आ जाएंगे। तो यहां सेम एग्जाम्पल देखिए अभी जो ऊपर लिखा गया क्या भाई कॉर्नबुलेसी और क्या कहे सोलेनेसी ये दोनों क्या है इंक्लूडेड ऑर्डर क्या कहिएगा पॉलीमोनिल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पर डाला गया। अब ऑर्डर अब इसके ऊपर अगर हम आएंगे तो दैट इज इस पर आ जाएंगे क्लास के ऊपर आ जाएंगे। अब अगर हम क्लास की बात करेंगे तो इंक्लूड क्या ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलिटीज, यानी ऑर्डर ऑर्डर